मशहूर कॉमेडियन एक्टर सुनील ग्रोवर ने आखिरकार 7 साल बाद कपिल शर्मा के साथ उनके शो में वापसी की है। कपिल से लड़ाई के बाद ये उनका साथ में पहला शो है जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब सुनील ने अपनी लड़ाई के बारे में खुलकर बात की है और मजाक में कहा कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए किया था। बता दें कि द ग्रेट इंडियन कपल शो के लिए ये जोड़ी 7 साल बाद फिर से साथ आई है। शो के प्रीमियर से पहले कपिल और सुनील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे थे और अपनी लड़ाई को संबोधित किया। सुनील ने उनके अब खत्म हो चुके झगड़े पर मजाक उड़ाया और कहा कि ये सब सालों पहले पूर्ण नियोजित था। उन्होंने कहा, हम फ्लाइट में बैठे थे और हमें पता चला कि नेटफ्लिक्स भारत में आ रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो पब्लिसिटी स्टंट हो। सुनील ने मजाक में ये भी कहा कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने उन्हें ये पूछने के लिए बुलाया था कि क्या किया जा सकता है, तो इस तरह ये विचार उनके दिमाग में आया। इसके बाद कपिल ने आगे कहा कि सुनील भी कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, वो कई सीरीज और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, इसीलिए हम दोबारा साथ नहीं आ सके। इसके बाद सुनील ने कहा कि उनकी वापसी घर वापसी जैसी लग रही है क्योंकि उन्हें कपिल और उनकी टीम के साथ काम करने में मजा आया। शो के बारे में बात करें तो टीजर से पहले ही पता चल गया है कि द ग्रेट इंडियन कपल शो में सुनील अपने पॉपुलर कैरेक्टर गुत्थी के रूप में वापसी करेंगे। पहले एपिसोड में वो रणबीर कपूर और नीतू कपूर को छेड़ते नजर आएंगे। उनके साथ रणबीर की बहन रिधिमा कपूर भी नजर आएंगी। फिलहाल सुनील को कपिल शर्मा के शो में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।